एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। लखनऊ के थाना गोसाईगंज निवासी राकेश कुमार की पुत्री कुमारी अनु का शव मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। बताया जा रहा है कि वह अपने भाई संजय को बुलाने घर से निकली थी और उसकी लाश गांव के किनारे झाड़ी से बरामद हुई। कुमारी अनु की हत्या से फैली सनसनी। लखनऊ से ब्यूरो चीफ राकेश कुमार की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारियों का इस संबंध में क्या है कहना। 9 तारीख को इसके बाद संबंध में गुमशुदगी और इसके साथ ही एक मुकदमा यहां पर दर्ज हुआ था, तो उसी इस बीच सभी लोग, पुलिस टीम और घर वाले सभी लोग ढूंढ करते रहे। आज जो है यहां पर सब मिलने की सूचना पर समस्त अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और हमारी टीमें यहां पर पहुंची हैं और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जैसा भी उसकी रिपोर्ट होगी, जो भी वैज्ञानिक तथ्य सामने आएंगे, अभी जो भी तथ्य सामने आते हैं उससे अवगत कराया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? कुछ कहना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बार जैसी पीएम रिपोर्ट आती है, जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार ही कुछ कहा जाएगा। फिलहाल टीमें यहाँ पर साक्ष्य भी एकत्र कर रही हैं और पूरे गाँव में पूछताछ की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।